नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव का आज 77वां जन्मदिवस है। पटना में लालू आवास पर जबरदस्त जश्न की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव को उनके जन्मदिवस की बधाइयां दे रहे हैं। विभिन्न यहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस पर बिहार में केक काटे जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि राजनीति में अपना हाथ आजमा चुके और पूर्व बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चंद्रिका रॉय ने भी यहां पर लालू प्रसाद यादव को उनके जन्म दिवस पर लंबी उम्र की कामना की है। आपको बता दें कि चंद्रिका रॉय तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या रॉय के पिता है। फिलहाल आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव और उसकी पत्नी ऐश्वर्या रॉय के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि दोनों के बीच तलाक का मामला लंबित है। लेकिन इस बीच अपने समधी लालू प्रसाद यादव को जन्मदिवस की शुभकामनाएं भेज करके उन्होंने कहीं ना कहीं परिवार को एकजुट करने की भी यहां पर कोशिश की है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आरजेडी बिहार में उम्मीदों के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, लिहाजा यहां पर सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन यहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ये उम्मीदें हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बिहार में परचम लहराने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, लिहाजा आने वाले वक्त में बड़े बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या तेज प्रताप यादव की पत्नी चंद्रिका रॉय की बेटी ऐश्वर्या रॉय को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्या पारिवारिक संबंधों को ठीक करने की यहां पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोशिश की जाएगी, क्योंकि बार बार जिस तरीके से आरजेडी को सत्ता से दूर रहना पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करके लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी तख्तापलट करना चाहते थे, लेकिन एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें 12 सीटें जीतने में कामयाब रही बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू जिसको 16 सीटें सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत मिली थी वहां पर 12 सीटों पर जीत हासिल होती है। यानी कि जीत का स्ट्राइक रेट जो है वो जेडीयू का बीजेपी से बेहतर रहता है। और ऐसे में अब जोड़ तोड़ वाली केंद्र सरकार जो बनी है इसमें नीतीश कुमार प्रमुख भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में भी सत्ता का तख्तापलट करने की यहां पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के द्वारा लगातार बातें की जा रही हैं। देखना ये होगा कि अपने जन्मदिवस पर आ रही शुभकामनाओं को क्या राजनीति के रण में भी लालू प्रसाद यादव भुना पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।